मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वेयर इज ग्रेट सेरेंगेटी वट इज़ तेरेंगेटी वेयर इट इज़ फाउंड ग्लोब इन सारे सवालों का जवाब जो है वो हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लेके जाएगा और अब हम एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो एकोसस्टम और जो बड़े स्पेक्टेकुलर किस्म के जो एनिमल्स हैं जिनको हम सिर्फ जो है वो डिस्कवरी चैनल के ऊपर या वाइल्ड लाइफ चैनल्स के ऊपर देखते हैं आज उसे हम रियली really, जो है वो रिकॉल करेंगे यहाँ पर देखेंगे स्लाइड्स के ऊपर कि वो क्या चीज़ है वो कैसे होती है शायद कभी आपने इस चीज़ को गौर नहीं किया और जो है जिस इरा में हम रह रहे हैं दैट इज़ नोन एज मैमिलियन इरा हम बहुत सारे जो बड़े बड़े मैमल्स हैं लार्जेस्ट जो मैमल्स जो आंखों से नजर आते हैं वेल मार्क्ड हैं स्पेक्टेकुलर हैं के साइजेस बढ़े हैं वो सारे के सारे आपको जो है वो अफ्रीकन रीजन में नज़र आते हैं ये अफ्रीकन रीजन का जो है वो अफ्रीकन uh, कॉन्टिनेंट का जो है ये मैप है और इसमें जो है वो अफ्रीका के जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ साइड्स हैं उनको डिफरेंट कलर से डिफ्रेंशिएट किया गया है नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर जो है वो मराको अल्जीरिया लीबिया इजिप्ट वग़ैरह आते हैं सूडान और यहीं पर जो है वो जो सहारा डेजर्ट है वो इसी जो है वो बेल्ट के अंदर पाया जाता है वेस्टर्न अफ्रीका जिसमें मरतानिया माली नाइगर चार्ड सोडान, नीचे नाइजीरिया वगैरह शामिल है, कुछ हिस्सा जो है जो सहारा डेजर्ट का है जो हॉटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ है और दो जो है वो जू जोग्राफिकल रीजनस को सेपरेट करता है वो ये सहारा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट का कुछ हिस्सा जो है वो मोरितानिया माली नाइगर चार्ट से गुजरता है और आधा हिस्सा जो है वो अलजीरिया और लीबिया इजिप्ट वग़ैरह ये एक बेल्ट सी है तो नीचे जो है वो जिसमें कि सेंट्रल पार्ट जो है ये सेंट्रल अफ्रीका है उसके बाद ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रीन कलर से शो किए गए हैं और सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि पर्पल कलर से शो किए गए हैं ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली जो अगर जू जियोग्राफिकल जो है रैलम या रीजन के हिसाब से देखें तो ये वाला जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कहलाता है और ऊपर जो सहारा डेजर्ट है वो पेलियाटिक रीजन जो है उसको और जो है वो अफ्रीकन रीजन को जो है वो सेपरेट करता है अब एक तरफ जो है ऊपर जो है वो यूरोप आ जाता है एक साइड जो है जहाँ पे ये मार्क लगा हुआ है ये वाला हमारा अरेबियन पेनसूला आ जाता है यहाँ पर वो सारे के सारे बड़े बड़े एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं जो हमें अफ्रीका के अंदर जो है वो वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है तो अब इसके अंदर भी इस पूरे अफ्रीका के अंदर भी वो जो बड़े बड़े से हाथी हैं और चीताज हैं जेबराज हैं जराफ्स हैं लॉइंस हैं वो कहाँ पर हैं कैसे रहते हैं किस जगह पर रहते हैं कैसे जो है वो जिंदगी गुजारते हैं कैसे जो है वो हरबी वोर्ड्स कार्नी वोर्स जो हैं वहाँ पर रहते हैं तो ये जो हमारे पास सैरनगीति जो प्लेन्स हैं बेसिकली ये तंजानिया को जो नॉर्दर्न हिस्सा है और कीनिया को कुछ हिस्सा ये जो है वो एक सरनगीती नेशनल पार्क है तंजानिया का ये उस पर मुश्तमिल है और ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सवानाज रीजन है जब हम सवानाज की बात करते हैं तो जो चीज़ सबसे पहले आती है दैट इज़ सवानाज ग्रासलैंड ग्रास लैंड की एक खसूसियत यह है कि उसके अंदर ग्रासेस ज़्यादा होती हैं और बहुत दूर दूर जो है वो जगहों के ऊपर दरख्त वो पाए जाते हैं इसको जो है वो हम एक और रुख से जो है वो देखते हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जिसमें कि जो सैटन प्लेन्स हैं वो बेसिकली सवाना ग्रास हैं और ये जो सैटन गेती जो प्लेन है स्पेसिफिकली ये जो है वो तंजानिया का नॉर्दर्न रीजन और जो कीनिया का कुछ हिस्सा जो है वो इसके अंदर आता है वो भी उसका नेशनल पार्क है उसका प्रोटेक्टेड जो है वो एरिया है और ये जो है वो वेल नोन एक जो है वो प्लेन है इस वक्त हम सवाना रीजन्स की बात करते हैं तो हमेशा जो है ये सवाना ग्रास होते हैं ग्रास की प्रॉपर्टी ये एक उसका जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है वो फीचर है कि वहाँ ग्रासेस ज़्यादा हैं और बहुत दूर दूर तक तो जो है वो दरख्त हैं इसको हम जो है वो इस तरह से देख सकते हैं ये हमारे पास लाइक दिस इट्स अवाना ग्रास लैंड और ये सरेंगे जो है वो प्लेन्स का हिस्सा है अब इसमें देखिए यहाँ पे एक दरख्त है और इससे मीलों दूर जो है दूसरा दरख्त है यहाँ पर जो है वो एक दरख्त है इससे मीलों दूर जो है वो दूसरा दरख्त है दरमियान में जो है वो ग्रासेस पाई जाती हैं यहाँ पे दरख्त है बहुत मीलों दूर जो है वो दरख्त है दीज आर नोन एज सवाना ग्रास लैंड अब ये जो सरन गेती प्लेन्स हैं ये बेसिकली जो है वो बहुत वास्ट एरिया है तकरीबन थर्टी थाउजेंड स्क्वेयर किलोमीटर का जो है वो एरिया है बिटवीन तंजानिया एंड जो है वो कीनिया और जो है वो ये एक बहुत बड़ी जो एक नेचुरल जो माइग्रेशन है जो कि नेचर के अंदर जो है वो कोई इंसानी से लीड नहीं करता बल्कि जो है वो एनिमल्स की इंस्टिंक्ट जो है वो उसको लीड करती है ये उसका जो है वो एक जो है वो हिस्सा है ये उस इन प्लेन्स के अंदर जो है ये पाई जाती है और जो सरनगीती प्लेन है वो दर हकीकत तंजानिया का जो है वो नेशनल पार्क है और वो नेशनल रिजर्व है वहाँ पर बहुत सारे जो है वो जो लार्जर मैमल्स हैं वो पाए जाते हैं इस सरनगेती नेशनल पार्क जो तंजानिया का है इसमें हम पिक्चर के अंदर इसको जो है वो मज़ीद फोकस करके देख सकते हैं कि इस पार्क को जो है वो 1940 में इस्टेब्लिश किया गया इस पार्क का जो कवर्ड एरिया है वो 15,000 किलोमीटर है यहाँ पर जो है यहाँ देखिए ये तंजानिया जो है उस मुल्क को जो है वो हाईलाइट किया है तंजानिया के साथ ऊपर की तरफ जो है वो कीनिया है फिर आपको युगेंडा भी नज़र आ रहा है रवांडा भी नज़र आ रहा है ब्रांडी भी जो है वो नज़र आ रहा है तो ये जो है वो इस पूरे तंजानिया में भी जो नॉर्दर्न हिस्सा है वहाँ पे ये सरनगीती नेशनल पार्क है और ये सरनगीती नेशनल पार्क जो है इसमें प्लेन एरियाज भी हैं यहीं पे दरिया भी बह रहे हैं यहीं पे कहीं जो है वो छोटे पहाड़ भी हैं कहीं पर जो है वो थोड़ा फॉरेस्ट एरिया भी आ जाता है कहीं पे ग्रास लैंड भी आ जाते हैं मीन्स एक वंडरफुल किस्म का जो है वो और बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है वो एकोसस्टम है और इसकी जो लोकेशन है वो ईस्टर्न साइड पे मारा रीजन जो है वहां पर है अगर ईस्टर्न साइड पे ये मारा रीजन हमारा यहाँ पर आता है और नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन जो है उसमें ये सुमई रीजन की तरफ है और ये टोटल एरिया जो कवर करता है ये फिफ्टीन थाउजेंड हेक्टर एरिया जो है उसको कवर करता है इसमें कीनिया का बेसिकली जो है वो एक रेलिटिवली स्मॉलर पोर्शन है जिसे मैसे मारा गेम रिज़र्व कहते हैं अब गेम रिज़र्व से जो है वो फौरी तौर पे जहन में आता है कि यहाँ पे ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है जो कि ट्रॉफी हंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पर जो है वो गेम बर्ड्स को गेम एनिमल्स को जो है वो पाला जाता है और जो है ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है बहुत बड़ी तो इसको कंबाइन कर लें इस सारी सरंगेटी प्लेन्स को जो कि तंजानिया और कीनिया के दरमियान है तो ये ग्रेट सरंगेटी एरिया या सरंगेटी मारा इकोसिस्टम जो है वो बन जाता है ये सीन आपने हमेशा जो है वो डिस्कवरी चैनल या एनिमल प्लानट के ऊपर देखा है लेकिन कभी इसे डीप जो है उसको सुनने की कोशिश या देखने की कोशिश नहीं की हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं जो वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रहते हैं बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं जो कि इन जगहों की तलाश में होते हैं इन डॉक्यूमेंट्रीज़ की तलाश में होते हैं वहाँ जाते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं ये सफारी एरियाज़ हैं यहाँ पे जो है वो ओपन जीप्स के अंदर लोग जाकर जो है वो इन वाइल्ड एनिमल्स के दरमियान में फिरते हैं उनके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं और वो थ्रूआउट द जो है वो ईयर वहाँ पे कैंपिंग मुख्तफ हिस्सों के अंदर जो है वो जारी रहती है तंज़ानिया के अंदर ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट एक्टिविटी भी है टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और जो है वो इसके ऊपर बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो अभी तक बन चुकी हैं ये एक ओवरऑल व्यू जो है वो आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है ढेर से जो है वो वाइल्ड बीस्ट जो है एंगुलेट्स हैं ये एनिमल्स हैं मैमल्स हैं जो कि हजारों की नहीं लाखों की तादाद के अंदर जो है वो इस सरंगेती नेशनल पार्क है इसमें एक क्लॉक रोटेशन में पूरा साल जो है वो चलते रहते हैं और ये जो उनकी माइग्रेशन है उस सरेंगे प्लेन्स के अंदर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल रेनफॉल डिटर्मिन करती है कि कब उन्होंने कहाँ पर मूव करना है सडन गेती जो प्लेन्स हैं जिसे अभी आपने देखा है वो जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो है वहाँ पे हाइस्ट कॉन्सनट्रेशन है लार्जर मैमल्स की और सेवेंटी डिफरेंट लार्ज मैमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं थ्री थाउजेंड लॉइंस हैं फाइव हंड्रेड चीताज रिपोर्टेड हैं सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड टू एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड स्पॉटेड हाइनास पाए जाते हैं थाउजेंड अफ्रीकन लेपर्ड्स हैं जेबराज हैं जराव हैं अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स हैं येलो एंड ऑलिव बेबून हैं ये प्राइमेट्स आ गए हैं पटास मॉकीज हैं वर्वेट मॉन्कीज हैं ये सारे के सारे प्राइमेट्स हैं मोंकीज की बहुत सारी जो है वो आ, वहाँ पे किस में पाई जाती हैं ग्राउंड पेंगुलेंस हैं क्रिस्टेड पार्क्यूपाइन हैं हिपोपोटेमस दरियाई घोड़ा मैंगूज न्योला जिसे कहते हैं टू स्पीशीज ऑफ ऑटर्स पाई जाती हैं राइनोसिरस जिसे जो है वो हम आ, गेंडा कहते हैं वो वहाँ पे पाया जाता है और इसके अलावा बहुत सारे फिफ्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं तो अभी हम बर्ड्स को तो फोकस ही नहीं करें हम तो सिर्फ जो है वो मेमिलियन uh, जो माइग्रेशन है जो इस जो इस प्लेन्स है है पर होती है, उसको हम फोकस कर रहे हैं इसके अंदर हम uh, कुछ uh, जो है वो चीजें जो है वो देख सकते हैं कुछ चीजें आप लोगों के इंटरेस्ट का बायस है ये जरा देखिए डिफरेंट किस्म के जो है वो जो मोंकीज़ हैं यहाँ पे बैबून हम उन मोकीज को कहते हैं जिनके ये पीठ के पीछे जो है वो रेडिश सा मार्क होता है तो ऑलिव बैबून यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये येलो बेबूनस हैं ये अपने बच्चों के साथ हैं और ये जो मोंकीज़ हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं हम इनको ओल्ड वर्ल्ड मोंकीज़ कहते हैं इनका साइज़ जो है वो हमेशा बड़ा होता है इनकी दुम जो है आलमोस्ट इनकी बॉडी के जो है वो बराबर होती है और इनके मुंह जो है वो आगे की तरफ निकले हुए होते हैं इसी तरह यहाँ पर आप इसको क्लोजअप के अंदर देख सकते हैं ऑलिव ऑलिज बेसिकली अपने कलर की वजह से जो है इसे ऑलिव बेबूस कहा जाता है और ये बेबूनस उसकी पीठ के पीछे जो है वो दो पिंक से जो है वो स्पॉट्स होते हैं जो कि इसको बाकी मोकी से जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसी तरह ये जो है वो सवाना येलो बेबूंस जो हैं जंगल में बैठे हुए जो है अपनी खुराक जो है वो खा रहे हैं इसके अलावा आपसे बात अभी की कि यहाँ पे चीताज हैं यहाँ पे लेपर्ड्स हैं यहाँ पे लॉइंस हैं तो जो है आप लोगों की इंफॉर्मेशन uh, के लिए हम जब uh, इतनी uh, खूबसूरत सारी इकोसिस्टम के अंदर गए और बड़े मैमल्स की हम बात कर रहे हैं तो इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस भी जो हैं वो देखते uh, जाइए ये यहाँ पर इसको अगर क्लोजअप के अंदर देखें हम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चीता एंड द लुक एट दिस चीता ये जो चीता है इसकी ये आँख के करीब ये यहाँ से यहाँ तक इसके मुंह के पास कि स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है इसको कहते हैं ब्लैक टीयर ये बेसिकली एक मसामदार हिस्सा होता है क्योंकि इसने बहुत तेजी के साथ भागना होता है मुंह आगे की तरफ होता है तो उससे उतनी ही ज्यादा बॉडी का मेटाबोलिज्म होता है उससे उतनी ही हीट जनरेट होती है लिहाजा नेचर ने जो है वो इस जो है वो इस रीजन को टेम्परेचर को लोअर करने के लिए ये जो ब्लैक टीयर है ये दिया है और ये चीते की सबसे बड़ी जो है वो पहचान है ये ब्लैक टीयर जो है लेपर्ड में जो है वो नहीं पाया जाता इसके अलावा जो आप चीता और जो है वो लेपर्ड के दरमियान जो दूसरा फर्क देखते हैं वो इनके स्पॉट्स के अंदर है लुक एट दिस इसके, इसके स्पॉट्स और इसके स्पॉट्स है इसकी बॉडी के ऊपर जो है ये जो चीता है ये वाला ये देखिए यहाँ पे ब्लैक टीयर है और ये जो चीता है इसके जो पॉट्स हैं एक तो ये सिंगल स्पॉट है दूसरा ये सॉलिड है और ये सिंगल स्पॉट पूरे जो है वो बॉडी के ऊपर फैला हुआ है ये सॉलिड सिंगल स्पॉट्स हैं लेकिन जो लेपर्ड है वहाँ पे ये स्पॉट्स जो है बेस तीन जो है स्पॉट्स मिल जाते हैं एक रोस्टेट सा जो है स्पॉट बना देते हैं और इनर सर्कल जो है वो खाली होता है तो ये दो बड़ी वाज कर देने वाली चीजें हैं कि बिग कैट्स इनको हम कहते हैं अमूमन लॉइन uh, भी बिग कैट्स के अंदर आता है लेकिन अगर दूर से आप चीते और लैपड की पहचान करना चाहें तो ये आपको जो है वो डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए इसी तरह हमने अभी जो है वो बात की वहाँ पे एलिफेंट्स की तो एलिफेंट्स जो हैं हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं हमारे पास एशिया में पाए जाते हैं वहाँ पे भी थोड़ा सारा डिफरेंस जो है वो आपको नजर आएगा यहाँ पर इसको हम जो है वो ज़रा इन्ार्ज कर लें पहली बात ये कि जो अफ्रीकन एलिफेंट है इसकी जीनस जो है वो लेक्सोडोंटा है और जो एशियन एलिफेंट है उनकी जो जीनस है वो एलिफस है अब जो अफ्रीकन एलिफेंट है इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो इसके कान हैं। क्योंकि इसके कान जो है सामने से बिल्कुल इसकी जो शेप है वो जैसे अफ्रीकन कॉन्टीनेंट की शेप है ये वैसे होते हैं इसका साइज जो है वो बड़ा होता है ये साइज में जो है वो भारी होता है इसका ये जो स्कल साइज होता है वो बड़ा होता है इसके जो ट होते हैं ये बड़े होते हैं तो यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि ईयर जो हैं वो है वो लार्ज है अफ्रीकन शेप जो है वो ईयर है ट्रंक जो टिप है इसमें टू फिंगर्स जो हैं ये यहां पर जो वो आ सकती हैं जो हाइट है वो ज्यादा है जो वेट है वो इसका ज्यादा है अब जो एशियन एलिफेंट है और ये जो अफ्रीकन एलिफेंट है ये अपने कान कभी भी साथ जो है वो नहीं लगाते बल्कि ये जो है वो उनके कान मुस्तकिल सामने की तरफ जो है वो रहते हैं जबकि जो एशियन एलिफेंट होता है इनके कान जो है वो छोटे होते हैं अमूमन बिल्कुल सर के साथ लगे होते हैं ये स्कल साइज भी इसका छोटा होगा इसके टस्क भी छोटे होंगे और ये जो है वो एक ओवरऑल जो इसकी बॉडी है वो भी इसकी जो है वो छोटी होगी ये हम यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये इसने जो है वो अपने अफ्रीकन एलिफेंट ने कान जो है वो बिल्कुल सामने किए हुए हैं इसकी यहाँ पे जो है वो माथे के ऊपर जो है वो रिंकल्ड स्किन है लेकिन यहाँ पे जो इसके इयर्स हैं वो स्मॉलर हैं और यहाँ पे इतनी रिंकल्स जो है वो स्किन नहीं है तो आपके पास जो है जो एलिफेंट आप देखें इस जो है वो इको के अंदर अफ्रीकन एको के अंदर और उसके बाद जो है जो एशिया के अंदर हैं जिसमें कि श्रीलंका है इंडिया है बर्मा है थाईलैंड है यहाँ पर जो है वो एलिफेंट्स जो पाए जाते हैं एशियन एलिफेंट तो वो साइज़ में भी छोटे हैं और उनके अंदर और अफ्रीकन एलिमेंट्स पड़े जो है वो ग्रगेशियस किस्म के होते हैं बड़े जो है वो खौफनाक से होते हैं ड्रेवर की फॉर्म में चलते हैं और कुछ नीचे आ जाए तो बचता कुछ नहीं है तो ये आपको बहुत छोटे छोटे से फर्क हैं जो कि इन एनिमल्स के दरमियान आपको जो है वो जरूर मालूम होने चाहिए अब यहाँ पर जो है जब हम बात करें हैं कि ये जो आपको सीन नजर आ रहा है इसमें दो तीन चीजें जो हैं वो वाजे हैं इस सीन के अंदर एक ये जो जो है वो सवाना ग्रास लैंड यानी कि बहुत ग्रास लैंड ये ग्रासेस हैं सारी की सारी छोटी छोटी उगी भी और ये जो है वो दरख्त हैं बहुत दूर दूर तो ये एक टिपिकल जो है वो सवाना ग्रास लैंड का जो है वो सीन है और इस वक्त ये इसमें जो ढेर सारे एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें मोस्टली जो है वो वाइल्ड बीट्स वाइल्ड बीट्स हैं जो कि लाखों की तादाद के अंदर जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं